तो भाई आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं कितनी बुरी। ठीक है गंगा बैक टू माई चैनल। आई होप यस आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरी तरह सुबह आज है 4 तारीख और मैं और साहिल आज निकल रहे इमीडिएट से घर पे और सुबह के बज चुके हैं इस वक्त 6:30 हो गए हैं और बाकी हम लोगों का निकलने का प्लान हो रहा है जल्दी से। आ रही हो थोड़ा कहाँ है साहिल? हाँ जी जा ना ना बाकी चल भाई हीरो यहाँ पे साहिल हो गया रेडी। हाँ फटाफट तैयार हो ना 7 बजे के बाद यहाँ ट्रेन नहीं सांझ लोग आ जा चलो। अरे यही कर लेंगे अंदर तो अंधेरा हो रहा है मुसी यहीं बैठ जाएंगे यहीं आ जाओ यहाँ बैठ जाते आराम से। तो भाई भाभी ने हम दोनों के लिए यहाँ पे गरम गरम चाय और भाभी ने हमारे पराठे बना दिए। भाभी बहुत बहुत थैंक यू आपको इतना अच्छा नाश्ता देने के लिए। हैप्पी बर्थडे टू यू भाभी। भाभी हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भाई काम करते हैं इतना हम लोग करते हैं नाश्ता बाकी अरे कोई नहीं घर पे भी वैसे बैठते हैं। तो भाई हम लोग करें नाश्ता नाश्ता करने के बाद मिलते हैं थोड़ी देर में ठीक है। और बाकी चीज़ क्या रोक से भाई पूरी प्लानिंग में हम भाभी रोकने के लिए चलो कल तो सदियों का इंतजार। नहीं भारी है मुझसे और लिए ना बहुत भारी है देख अरे अरे तो भाई ये देखो मुझसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सुनील की सुनील का आएगी गाड़ी है सुनील का आएगी गाड़ी अच्छा दीदी का अरे नहीं ऊपर ठीक है पर लेकिन थोड़ा सा मेरी बात सुन लो यार थोड़ी सी कंट्री थोड़ा तो भाई रोक से भाई कह रहे हैं मेरे को रुकने के लिए बट लेकिन यार मेरे को जाना घर पे है काम है गाइस वजह से मुझको जाना पड़ रहा है भाई वरना आपको पता है मैं आपके एक कहने पे रुक जाता हूँ। बात यह है सारी अब थोड़ा सा काम है और बाकी आपको मैंने बताया तो प्लीज़ समझो यार ये देख लो मुझसे बात नहीं कर रहे नहीं मैं कैमरे ही करूँगा आपके सामने बताओ क्या करोगे लो नहीं कोई बात नहीं मैं कच्चा नहीं लूँगा चलो चलो यार जल्दी चलो रोक से भाई उठो ना तुम कहाँ जा रहे हो भाई तो भाई चलते हैं फिर रोक से भाई चले अरे देखो इधर देखो बताए इन्होंने पहले ही कवर कर लिया अपने आप को कैमरे के सामने हम अनकंफर्टेबल है लो अरे वाह पहले नहीं कर सकते थे तो बाकी चले हम नहीं क्यों जा रहे हो आज नहीं जाना पड़ेगा देखो तुम भी जा रहे हो शाम से पहले क्या पता हम लोग वापस आ चलो हाँ चलते हैं ना। अच्छा भाभी नमस्ते भाभी देखो हमारे लिए कितना मेहनत करी यहाँ पे गर्मी में हमारे पराठे बना रही है चलो भाभी नमस्ते घर पे आना जल्दी से ठीक है बाकी अंदर से कुछ सामान आना घर पे ठीक है बाय 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 भाभी भाई बाय अरे भाभी अब जा रहे हैं ओए जल्दी आ मैं 500 ड्राइवर है ट्रेन के लिए और फटाफट अब हम लोग निकल रहे हैं तो भाई जल्दी कर तो सीधे जाके वहीं भी मिलते हैं काम करते हैं हाँ अरे इतने दिन तो रहे चलो भाई चलो मैं जा रहा हूँ हाँ क्या हुआ चल जा रहा हूँ मैं ठीक है जान दे मेरे को चल 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 अरे छोड़ ना अरे
भैया दो शादरा के देना दो। तो भाई चलो मैंने ले लिया यहाँ से टिकट और फटाफट मैं जा रहा हूँ रोकश्री के पास। अभी यार ये लोग कहाँ हैं, ये लोग वहाँ पे पहुँच गए क्योंकि मैं ट्रेन का टिकट लेने के लिए पीछे रुक गया था। बाकी मौसम आज का अच्छा हो रहा है यार, उस दिन हो जाता यार या कल हो जाता, आज का मौसम लेकिन बढ़िया है, आज इतनी परेशानी नहीं हुई गर्मी में। चलो यार लेकिन कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पर आएगी ये तो देखना ही पड़ेगा पहले। तो हो रहे सामने वो खड़े बोलो तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं क्या नाम है दिल्ली। तो भाई फाइनली अब साहिल को मेरा रास्ता बदलने वाला है, साहिल जाने वाला है घर पे और मैं भी अपने घर पे जाने वाला हूँ दिल्ली के। फिर बहुत ध्यान दे फोन करके घर पहुँच गया, ठीक है ठीक है बाबा ध्यान से देखिए ठीक है। तो भाई अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ अपने घर पे। तो भाई फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पर। आंटी नमस्ते। हाँ जी यहाँ सुबह निकल गया था मैं वहाँ से जल्दी बस। हे मम्मी नमस्ते। और नहीं अभी तो रास्ते में हूँ। So guys, सीन क्या है कि रात शाम के बज चुके हैं इस वक्त 6:30 और मैं हूँ अकेडमी में। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं शिवम भैया की अकेडमी में आता हूँ। बाकी आज मेरे साथ देखो कौन आया है अकेडमी में, इस सज्जन को। इस बंदे ने इतना लेट कराया है ना, इतना लेट कराया है ना बता नहीं सकता। इसको मैंने 3 बजे बोला आने के लिए लेकिन इसने पता है आने आने में कितना टाइम लग गया, इसको 1 घंटा लग गया पूरा। मतलब इतना ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं है इसका मेरे घर से, बट लेकिन यार देखो जो आज मैं लेट हुआ हूँ ना इसकी वजह से हुआ हूँ। लेट लतीफ इंसान है सबसे ज़्यादा, ये देख सकते हो। ये अकेडमी जैसे पहले आप लोगों ने देखी ली होगी, मैं जैसे आया था पहले मैं आपको दिखाया था। और अभी सीन क्या है कि ना शिवम भैया गया अभी थोड़ा कुछ बाहर काम से, तो मैं और सामने तो क्या नाम है शिवम भैया गए कुछ काम से बाहर, और अकेडमी में अभी सिर्फ थोड़ा सा कौन कौन है, मैं हूँ, मोनू है और उधर अंजलि है और उधर थोड़े कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं क्योंकि कह रहे हैं क्या नाम है जिनकी क्लास हो जाएगी ना तो फिर हम लोग बैठेंगे। बाकी लोग बात बात करें बाकी उस बच्चे लोग मिलते भी थोड़ी देर। तो भाई इस बच्चे को डांस सिखा रहे हो यार, इसने मुझे बहुत थका दिया सच्ची में। करो करो तो भाई अभी ये सज्जन मुझसे पता है क्या पूछ रहा है कि फेस को ब्राइट करने के लिए क्या करें। तो गाइस अभी काम कर रहे हैं हम लोगों का क्या प्लान बनाएंगे, हम लोग करेंगे थोड़ी सी एक्सरसाइज क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोगों ने करी नहीं है ना, उस वक्त मिलते रहते चलो। Thank you.
आप लोग मेरी हालत देख सकते हैं कितनी बुरी हो रही है भाई सच्ची में। तो भाई आज पुरानी वाली वाइब्स आ गई क्यों मोनू? अरे आप लोग हालत देख सकते हैं सर, पहली बार आज मेरे को आप इस हालत में देख रहे हैं। इसीलिए आज बॉडी को काफ़ी मतलब वार्मअप किया और दोबारा से रीस्टार्ट किया। तो बोल रहे थे कुछ तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है सच्ची में। अब कुछ टाइम बाद मैं भी अपना स्टार्ट करने वाला हूँ अपनी क्लास और अपनी भैया के साथ डांसिंग। बाकी रात के बज चुके हैं इस वक्त 9:10 बस, बाकी अब मैं निकलने वाला हूँ 5 मिनट बाद घर पे, क्योंकि भैया अकेडमी ना बना देंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार चलो मैं भी चलेता हूँ, क्योंकि भाई मैं ना मैं आया हूँ। मोनू कितने बजे गए थे हम लोग? 4 बजे के हम लोग आए हुए हैं। तो मैं मरकट वाले मंदिर है ना, मरकट वाले बाबा, तो भाई यहाँ पे सब क्लोज करो। फोन दे रहा ले भाई, चलो वो कौन गया क्या? बाकी लाइट चलो चलो भाई चलो। चलो भाई अलविदा बोलते हैं हम लोग अपनी एकेडमी को, मिलते हैं जल्दी। आगे चल पहुँच, गूंगे आदमी चल। ठीक है फोन कर दिया, पहुँच के आराम से ठीक है पहुँच। सो गाइस रात के बज चुके हैं 10:30 और एकेडमी से जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं आया थोड़ा लेट हो गया था। एक्चुअली में क्या था कि आज ना काफ़ी मतलब मज़ा आया और आज ना पूरा मतलब काफ़ी मतलब अंदर एकेडमी में कि हम लोग सब डांस कर रहे थे ना मिलके, तो मोनू वगैरह हम लोग सब साथ में ही रहे। तो वही मैं और मोनू वही बात कर रहे थे कि यार स्टार्ट करते हैं अपना वॉर लाइफ का जो जर्नी अपना लंबे वाला सफ़र है। बाकी ठीक है चलो यार, इस व्लॉग को अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।